नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोबिज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पासवर्ड से अपने फाइल्स और फोल्डर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें हाइड भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो विंडोज़ के अंदर ही बिट लॉकर का फीचर होता है जिससे आप अपने पूरे ड्राइव को इनक्रिप्ट और पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि ये कुछ विंडोज़ के वर्जन के साथ ही अवेलेबल है, जैसे कि विंडोज़ में विंडोज़ 7 के अल्टीमेट वर्जन में अवेलेबल है और साथ साथ 8 में प्रो और उससे ऊपर में अवेलेबल है। और अगर आप अभी भी XP यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये फीचर नहीं है। इसके अलावा भी इसकी कई सारी लिमिटेशन हैं, तो इसलिए दोस्तों मैं आज आपको एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने फाइल्स और फोल्डर्स को प्रोटेक्ट करना सिखाऊंगा और उस सॉफ्टवेयर का नाम है सेफ हाउस एक्सप्लोरर। दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर देखे हैं जो प्रोटेक्शन के लिए या फिर इनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें से मुझे सेफ हाउस एक्सप्लोरर बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो बाकी सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, सेफ हाउस एक्सप्लोरर में कई सारे फीचर हैं, जैसे कि इसमें कोई ड्राइव साइज़ की लिमिटेशन नहीं है, साथ ही साथ इससे आप अपने USB ड्राइव या SD कार्ड को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री है। इसके फ्री वर्जन में वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो बाकी आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। और यहाँ तक कि ये सॉफ्टवेयर जो है बिट लॉकर से मुझे काफ़ी अच्छा और आसान इस्तेमाल करने में लगता है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे सेफ हाउस एक्सप्लोरर के नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर फ्री है तो आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, अब इसे हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए मैं इसे ओपन करूंगा। आपके सामने विजार्ड आएगा, आपको उस विजार्ड को फॉलो करना है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपसे लाइसेंस एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट, और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आपका इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही छोटा फाइल है, करीब 5 MB के आसपास का है, तो ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है और कंप्यूटर पे इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। इंस्टॉल होने के बाद आप फिनिश पे क्लिक करें। फिनिश पे क्लिक करते ही आपके सामने सेफ हाउस एक्सप्लोरर जो है वो खुल जाएगा और आपके सामने एक वेलकम विजार्ड आएगा। आप चाहें तो इस वेलकम विजार्ड को फॉलो कर सकते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन है कि आप कैसे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हम कैसे जो है अपने फाइल्स और फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये सॉफ्टवेयर आपके ड्राइव पे एक वॉल्यूम क्रिएट करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है जहां पर आपने फाइल्स और फोल्डर रख सकते हैं। उस वॉल्यूम को ये सॉफ्टवेयर हाइड कर देता है और साथ ही साथ उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी करता है, ताकि अगली बार आप जब उसे एक्सेस करने की कोशिश करें आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। तो हमें अपने फाइल्स और फोल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया वॉल्यूम बनाना होगा और ये इसका साइज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इसके लिए आप न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करें। आप जैसे ही न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं आपके सामने विजार्ड आ जाएगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपसे लोकेशन पूछी जाएगी कि आप किस जगह पर ये वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं। आप किसी भी ड्राइव पे ये वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सी सेफ हाउस है, तो मैं यहाँ चेंज करके माय कंप्यूटर में जाके ड्राइव ई सेलेक्ट करूँगा और वहाँ पर इसे वॉल्यूम को क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पर आप फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं, जब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेफ हाउस है, और डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। लोकेशन चूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आप साइज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, कितना साइज़ आप चाहते हैं इस वॉल्यूम का। फिलहाल मैं यहाँ पर छोटा साइज़ लूँगा, 100 MB का, क्योंकि जितना बड़ा साइज़ देते हैं उतना ज़्यादा टाइम लगता है वॉल्यूम बनने में। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आपको पासवर्ड देना है जिससे कि आप अपने इस वॉल्यूम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें यहाँ पर। और जैसे जैसे आप पासवर्ड लिखेंगे वैसे वैसे यहाँ पर इसका पासवर्ड का जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर शो होगा कि आपका पासवर्ड का स्ट्रेंथ कितना अच्छा है। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें आप। अब आपके सामने वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो अभी तक हमने फिलअप किया है। अब वॉल्यूम बनाने के लिए यानी कि स्पेस बनाने के लिए आप क्रिएट वॉल्यूम बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्रिएट वॉल्यूम बटन पर क्लिक करते हैं, आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो स्पेस है जहाँ पर आपकी फाइल्स रखी जाएंगे, वो यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ये क्रिएट हो चुका है, मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। आप जैसे ही फिनिश पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक मैसेज आएगा, क्या आप उस वॉल्यूम को ओपन करना चाहते हैं। आप यस पे क्लिक करें। आप जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे वो वॉल्यूम यहाँ पर ओपन हो जाएगा।
अब किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ उस फाइल को इस सेफ हाउस के इस फोल्डर के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस सैम्पल पिक्चर के फोल्डर को सेव करना है, तो मुझे इसे मूव करना होगा इस सेफ हाउस के वॉल्यूम के अंदर। इसके लिए या तो मुझे कट करना होगा या फिर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे मूव कर रहे हैं, कॉपी नहीं। अगर कॉपी करेंगे तो जो फाइल है वो ऑलरेडी उस जगह मौजूद होगी। आपको इसे इस फोल्डर के अंदर मूव करना है, तभी आप इसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर फाइल इस वॉल्यूम से बाहर है तो वो आसानी से एक्सेस हो सकता है। आपको फाइल को इसके अंदर मूव करना है। जैसे ही आप फाइल को इस वॉल्यूम के अंदर, सेफ हाउस वॉल्यूम के अंदर मूव करते हैं, वैसे ही आपका फाइल जो है वो पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे एक और ड्राइव आपको दिखेगा, जो कि आपके उस वॉल्यूम के नाम से होगा, जैसे कि हमने वॉल्यूम बनाया था सेफ हाउस के नाम पे। तो आप देख सकते हैं पहले मेरे पास सी और ई था, अब यहाँ पर एफ ड्राइव भी शो कर रहा है। ये वही ड्राइव है जहाँ पर हमने अभी अपना फोल्डर मूव किया था। ये ड्राइव तब तक दिखेगा जब तक कि आपका एक्सप्लोरर, सेफ हाउस एक्सप्लोरर खुला है। जब भी आप अपने फाइल्स और फोल्डर को इसमें मूव कर लें और आपका काम ख़त्म हो जाए, तो आपको इस वॉल्यूम को बंद करना होता है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर आइकन है क्लोज वॉल्यूम का, इस आइकन पर क्लिक करें आप। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, से ही आपका ये वॉल्यूम जो है ये यहाँ से गायब हो जाता है, और साथ ही साथ जो माई कंप्यूटर में ड्राइव दिख रहा था एफ, वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। अब अपने फाइल्स को दोबारा एक्सेस करने के लिए आपको सेफ एक्सप्लोरर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप फाइल्स पर जाकर के ओपन वॉल्यूम पर क्लिक करें, और इसके बाद जिस ड्राइव में आपने वॉल्यूम बनाया था आप उस ड्राइव में जाएं। जैसे कि ई ड्राइव में बनाया था, हम ई ड्राइव में जाएंगे। आपको वहाँ पर सेफ हाउस का जिस नाम से आपने वॉल्यूम बनाया था वो वॉल्यूम वहाँ पर शो होगा। आप उसे क्लिक करें और ओपन करें। जैसे आप ओपन पर क्लिक करते हैं, आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। जो आपने पासवर्ड रखा है आप वो पासवर्ड यहाँ पर डालें। पासवर्ड डालते ही आपका फाइल जो है यहाँ पर शो हो जाएगा और आप अपना फाइल एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप सीधा आप ई ड्राइव में जाएं, वहाँ आपको अपने वॉल्यूम का नाम दिख जाएगा। आप उस वॉल्यूम पर डबल क्लिक करें, आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, आप पासवर्ड एंटर करें और फिर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सिंपल तरीका जिससे आपने फाइल्स और फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हाइड भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसी सॉफ्टवेयर से अपने यूएसबी स्टिक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वो यूएसबी स्टिक किसी और को देते हैं तो वो बिना पासवर्ड के उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स आपसे शेयर करता हूँ, साथ ही साथ साइंस और फिक्शन की बातें भी आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।